हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसको कि कल हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर भी, क्योंकि आपको बहुत से लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम लोग जो है इन डिटेल फिर से डिस्कशन करेंगे। एक बार इससे पहले मैंने आपको संडे को भी पोस्ट किया हुआ था, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इंडी स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे भी हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे जो अभी क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपको पोजीशन बना के रखे हैं, तो हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट है। सबसे पहला महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखा था, और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था। देखिए यहाँ पे एक जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन चुका है, एक और आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा सा कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे आपको आज देखिए मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड हो सकता था, यहाँ पे 900 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने का कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद फाइनली आप देखिए रिट्रेसमेंट हुआ। और अभी अब हम लोग वेट करेंगे अभी भी, जब तक अब यहाँ पे देखिए जब तक अब 908 के लेवल के ऊपर आपको एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करता है, आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना है। क्योंकि यहाँ पे आज देखिए 900 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था, बट ऊपर के लेवल से कंटिन्यू रिजेक्शन आ रहे थे, तो जब तक इस यहाँ पे आपको डोमिनेट नहीं करेगा 908-909 के लेवल के ऊपर आपको क्लोज नहीं होता है, आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना है। बेटर है आप यहाँ पे जो है आराम से बैठे रह सकते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो 909 के ऊपर ही आपको पोजीशन बनाना है। स्टॉप लॉस आपका 880 का होने वाला है, 29-30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कितना टारगेट देगा, लेकिन सबसे पहला टारगेट हम लोगों का 1:2 रहता है, तो अगर हम लोगों का स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है तो टारगेट ऑटोमेटिक हम लोगों का 60 पॉइंट का बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। तो ये अपडेट था आपको M&M के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर, फिर हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में जब मैंने आपको यहाँ पे वीकली चार्ट पे एनालिसिस किया था, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था जो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया सेलर्स के बाद, यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम पुल बैक है, यहाँ पे आप बाय नहीं कीजिएगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये थोड़ा सा और नीचे आके फिर आपको जब ये हाई ब्रेक करेगा तब आपको यहाँ पे पोजिशन बनाना है। और सेम चीज यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था डेली चार्ट में भी, सेम चीज मैंने आपको बताया था जो इस लेवल के ऊपर ही आपको बाई करना है, इससे पहले बाई नहीं करना है। यहाँ पे आप देखिए इस लो के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था क्योंकि ये एक स्विंग लो था, बट यहाँ पे आज सपोर्ट नहीं लिया और बहुत ही शार्प फॉल हुआ। अगर यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल आप खोल के देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियरली विजिबल होगा, जो देखिए फर्स्ट 45 मिनट में ही ऑलमोस्ट जो है 300 पॉइंट स्टॉक फॉल हो गया, उसके बाद उतना ड्रास्टिकली फॉल नहीं हुआ, उसके बाद आपको 100 पॉइंट और फॉल हुआ, बट थोड़े कंसोलिडेशन के बाद फॉल हुआ, लेकिन फर्स्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट 45 मिनट में ही 300 पॉइंट का यहाँ पे फॉल हो चुका था। और यही सेम चार्ट कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको अपडेट किया था, जो ये आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में बियरिश दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली बियरिश चार्ट दिख रहा है, फिर भी बहुत से लोगों के पास यहाँ पे कॉल्स होल्ड थे, 5200 के कॉल बहुत लोगों के पास थे, 5100 के कॉल बहुत लोगों के पास थे। मैंने फ्राइडे के सेशन में भी एक दो लोगों का मैसेज आया था, मैंने उनको बोला था एग्जिट कर जाओ, जो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा उस लॉस को आप रिकवर बाद में कर लोगे, लेकिन एग्जिट कर जाओ, बट उन लोगों ने होल्ड करके रखा और अभी तक जो है वो लोग एग्जिट नहीं किए हैं। तो एक चीज आप जान लीजिए, जो आपका लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप सेकेंड वीक को क्रॉस कर चुके हैं, थीटा डीके आपका जो है आप डोमिनेट करेगा, आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के रखे हुए हैं, तो वहां पे जो है डेल्टा आपका डोमिनेट नहीं कर रहा, वहां पे थीटा डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम ऑलरेडी जितना ज्यादा आप होल्ड करके रखेंगे उतना ज्यादा आपका जाएगा। बेटर है या तो
ट्रेड करने से पहले अपने स्टॉप लॉस को क्लियरली डिफाइन कीजिए। अगर नहीं डिफाइन कीजिएगा तो इसी तरह का एक ट्रेड आपका पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट लेके चला जाएगा और फिर जो है आप वहां पे देखते रहिएगा। तो बेटर है कि अगर थोड़ा सा भी आपको चार्ट की जानकारी होती तो आप लोग जो है कॉल्स यहाँ पे नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बुलिश साइन नहीं शो किया। अगर यहाँ पे एक लेवल पे बुलिश साइन शो भी किया है तो आपको इनफ यहाँ पे टाइम मिला एग्जिट करने का। अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया इस कैंडल पे, फिर से आपको यहाँ पे एग्जिट करने का मौका मिला, आपने नहीं एग्जिट किया, तो इतने दिन अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे प्रीमियम डिके होना है और रैपिड मूवमेंट नहीं होगा, फास्ट मूवमेंट नहीं होगा, तो आपका जो है अल्टीमेटली आपको बाइंग में लॉस होना ही है। इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए। छोटी छोटी बातों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे लॉस को जल्दी, अगर एटलीस्ट बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जो वो लोग लॉस कट नहीं कर पाते हैं, और यही रीजन है जो आज इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत से रिटेलर फंसे हैं, बहुत लोगों का मैसेज आया है। अगर आप जाके कमेंट सेक्शन में भी देखेंगे तो 6-7 तो आपको ऐसे कमेंट दिख जाएंगे जो 5200 का कॉल है, 5100 का कॉल है, क्या करे क्या करे क्या करे। तो एक चीज समझ में जानिए, जब तक आपको पता नहीं है जो एग्जैक्ट आप क्या करने वाले हैं, क्या आपका एंट्री पॉइंट है, क्या आपका एग्जिट पॉइंट है, अगर कुछ भी आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चैनल बन रहा है, इस चैनल पैटर्न को भी देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो चैनल पैटर्न ब्रेक हो चुका है। अगर इसको जाना होगा ऊपर तो आपको फिर से री एंट्री का मौका मिलेगा, आप वहाँ पे री एंट्री कीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो है लूजिंग पोजिशन को इतना ज्यादा दूर तक जो है मत होल्ड करके रखिए। अल्टीमेटली जो है आप वहां पे लॉस ही करने वाले हैं। बेटर है थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अगर थोड़ा एक बार सीख लीजिएगा पैसा ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लर्निंग नहीं करना चाहते हैं, बस उनको ऑप्शन के थ्रू पैसा बनाना है, तो ऐसा नहीं होता है, आपको सीखना पड़ेगा। या तो आप खुद से सीखिए या फिर जो है आप किसी से सीखिए, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा। तो चलिए, ये बात था अपोलो हॉस्पिटल में। जो लोग कैश में बाई करके रखे हैं और उनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे क्लियरली अब दिख रहा है जो आपको 4000 के लेवल तक स्टॉक रिट्रेस बैक हो सकता है। तो अगर आप लोग का यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं, नीचे के लेवल पे और बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी आपको कॉल ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं, अभी तक अगर उन लोगों ने पोजिशन नहीं कट किया है तो अभी भी टाइम है, आप लोग जो है कट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं स्टॉक के। सबसे पहला स्टॉक है आपको इंडसइंड बैंक, बिल्कुल हम लोग शॉर्ट करने के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे देखेंगे आपको क्या हो रहा है। इससे पहले भी मैंने इंडसइंड बैंक के क्लियरली बोला था जो मेरा व्यू यहाँ पे बियरिश है। 950 तक हम लोगों ने, याद होगा जिसको बाई करके आए थे, 900 से कंटिन्यू जो है आपको यहाँ पे बाई किए थे 950 तक वहां पे। उसके बाद मैंने आपको बोला था जो यहाँ पे आप रेसिस्टेंस फेस करेगा, और सेम यहाँ पे आपको एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना, फिर आपको दो दिन हॉल्ट किया और आज एक अच्छे लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। तो अब जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा डाउनवर्ड मूव दिख सकता है। 900 के इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया है। लास्ट के मोमेंट पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकवरी देखने को मिल रहा है। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू पोजिशन को या तो बुक करने के लिए होगा, या फिर जो है आपको थोड़ा बहुत जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा उन लोगों की वजह से जो है आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। थोड़ा सा अगर रिट्रेस बैक करता है, सबसे पहला कंडीशन सुन लीजिए, अगर यहाँ पे आपको स्टॉक रिट्रेस बैक करता है 910-912 इस जोन तक अगर रिट्रेस बैक करता है, और फिर अगर आपको यहाँ पे बियरिश साइन शो करता है तो ही शॉर्ट करना। यहाँ पे पहले आने दीजिए, हिट करने दीजिए रेसिस्टेंस को, उसके बाद अगर कुछ भी आपको बियरिश साइन शो करता है, बियरिश इंगल्फिंग शो करता है, या कुछ भी आपके लिए जो भी बियरिश है, अगर कुछ भी इस टाइप का साइन शो करता है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका 918 के ऊपर रहेगा, टारगेट आपका 12-15 पॉइंट होना चाहिए। सपोज रिट्रेस बैक नहीं करता है और यहाँ पे जो है आपको रिट्रेस बैक नहीं करता है, ये यहीं से आपको ब्रेक करके नीचे निकल देता है, आज का लो ब्रेक होने के साथ आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका बिल्कुल आज के इस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर मिलेगा, 902 का स्टॉप लॉस रखना है और आपको एंट्री करना है आज के लो के नीचे, 895 के नीचे आपको एंट्री करना है, 902 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 7 रुपीज का स्टॉप लॉस होने वाला है, टारगेट आपका 10-12 पॉइंट का होने वाला है। सेकेंड स्टॉक है HDFC।
HDFC लिमिटेड भी क्लियरली बियरिश दिख रहा है चार्ट पे। अगर हम लोग डेली चार्ट पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये होल्ड करने का कोशिश कर रहा था 2700 के लेवल को, बट यहाँ पे जो है आपको सस्टेन नहीं कर पाया। फाइनली आज आपको यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट करके गया था, यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा था, रिटेस्ट सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे जो है आपको ब्रेकआउट फेल्योर हो चुका है। तो अब आपको नीचे की साइड में एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। तो 5 मिनट के चार्ट में हम लोग इसको भी शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको अगर रिट्रेस बैक करता है, सपोज यहाँ से रिट्रेस बैक करता है 2680 इस 2685 इस लेवल के अराउंड अगर आपको एंट्री मिलता है तो बेस्ट है। यहाँ पे जो है आपको रिट्रेसमेंट के बाद अगर एंट्री मिलता है तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट जो आपको लास्ट लेग जो हुआ है या लास्ट टाइम में जो आपको फॉल हुआ है बहुत ही शार्प फॉल था। आपको ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर में बैंक निफ्टी जो है 600 से ज्यादा पॉइंट से फॉल किया है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर रिट्रेसमेंट यहाँ पे होता है 2680 के लेवल के अराउंड और उसके बाद अगर बियरिश साइन आपको यहाँ पे मिलता है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इस स्विंग हाई के ऊपर में रहेगा 2695। सपोज अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं होता है और जो है यहाँ पे आपको फ्लैट खुलने के बाद आज का लो अगर क्रॉस होता है, तो आज का लो अगर क्रॉस होता है 2656 का लो अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे जो है आप 2669 के स्टॉप लॉस के साथ जो है यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका जो है यहाँ पे 18-20 पॉइंट का होना चाहिए। थर्ड स्टॉक है विप्रो। रिजल्ट के बाद से कंटिन्यू आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। डेली चार्ट में भी यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक अच्छा बेयरिश साइन दिख रहा है। यहाँ पे भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, हॉल्ट किया, फिर से आपको यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो है फिर से नीचे की साइड मोमेंटम हो सकता है। 625 तक जो है इजिली ये स्टॉक आपको नीचे की साइड पुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको सेम करना है। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो 640 के अराउंड जो है यहाँ पे आपको एक बाइक यहाँ पे आपको सेल करने के लिए मिल सकता है। अगर इस लेवल पे मिलता है बेस्ट है, 645 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। सपोज अगर यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है तो आप आज का लो क्रॉस होने के साथ 631 क्रॉस होने के साथ 635 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पे सेल कर सकते हो। टारगेट जो है वो आपका 625 का होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट वहीं पे आपको है। फोर्थ स्टॉक है हिंडालको। देखिए बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे जो मैं आपको दोनों कंडीशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं पता है जो कल मार्केट किस कंडीशन में ओपन होने वाला है। सपोज अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो वहां पे फिर से एक बार के लिए सेलिंग प्रेशर आपको जरूर दिखेगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है और आपके रेसिस्टेंस लेवल के पास आपको थोड़ा सा भी बियरिश साइन लिखता है तो आप वहां पे जो है बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो। ये भी हो सकता है जो मार्केट फ्लैट खुले और नीचे की साइड निकल जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, तो उस केस के लिए ही मैं बता रहा हूँ। दूसरा केस जो है, जो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे की साइड आपको मोमेंटम कर जाता है, क्योंकि लास्ट आवर का फॉल बहुत ही रैपिड था और बैंक निफ्टी अगर 38100 के नीचे निकलेगा तो फिर आपको वहां पे एक अच्छा फॉल जो है दिख हो सकता है। निफ्टी भी आज आपको क्लियरली बियरिश था, जो भी आपको बड़े बड़े स्टॉक्स थे वो सभी डाउन ट्रेंड में थे और एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो इसलिए जो है आपको कंटिन्यू मार्केट हो सकता है ड्रैग डाउन हो सके। तो इसलिए अगर रिट्रेसमेंट मिल जाए बेस्ट है, रिट्रेसमेंट नहीं मिले तो आप जो है बिल्कुल स्टॉप लॉस भी आपका चेंज हो रहा है और आपका एंट्री पॉइंट भी चेंज हो रहा है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, जो आपको किस कंडीशन में क्या करना है। तो अगर हम लोग फोर्थ स्टॉक हिंडालको की बात करें, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा फॉल आया। पहला अगर 502-503 इस लेवल के अराउंड अगर आपको यहाँ पे रिट्रेस बैक होके मिलता है और यहाँ पे बियरिश साइन मिलता है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 507.5 के ऊपर रहेगा। इन केस फ्लैट खुल के अगर नीचे निकलता है 497.5 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा और एंट्री पॉइंट जो है यहाँ पे एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के लो के नीचे 494 के नीचे आपका एंट्री पॉइंट रहेगा और जो है ऊपर की साइड आपका स्टॉप लॉस 497.5 रहेगा। अगर आप इस लो के ब्रेक होने पे यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो आप जैसे ही लो ब्रेक होता है इमीडिएटली वहां पे आप जो है अपना सेल पोजीशन को ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्लैट खुलने के साथ नीचे निकलेगा तो फिर यहाँ पे आपको फ्लो में जो है एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। रिट्रेसमेंट अगर होता है तो फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट खुलने के साथ नीचे निकलता है तो लो ब्रेक होने के साथ ही आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में बहुत से आपको जो है यहाँ पे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे लो ब्रेक हो और वहां पे जो है आपको सेल पोजिशन उनका ट्रिगर होगा।
और लास्ट स्टॉक है आपको यूपीएल। यूपीएल एक अच्छे अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ऊपर से रेसिस्टेंस के लेवल पे 850 के लेवल पे एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस किया और वहां से जो है एक कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। आज अगर बात करेंगे तो 800 का इंपॉर्टेंट लेवल इसने ब्रेक कर दिया है। नीचे अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट काफी नीचे है, तो इसलिए ये स्टॉक जो है और आपको थोड़ा ड्रॉड हो सकता है नीचे की साइड। पहला, अगर ये 810 के अराउंड मिले आपको, इस लेवल पे रिट्रेस बैक होके मिले, यहाँ पे आप जो है सेल कर सकते हैं। इस लेवल पे स्टॉप लॉस आपका 815 का होगा। सेकंड कंडीशन, अगर आज का लो यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर आप जो है इस स्विंग हाई के ऊपर में अपना स्टॉप लॉस रख के जो है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को ध्यान से नोट डाउन किया होगा, जो आपको किस कंडीशन में क्या करना है। अगर आपके कंडीशन को नहीं मीट कर रहा है, आप जो है लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, नेक्स्ट डे आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।